हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द स्पीडी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है क्या। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 16 को स्क्रीन पर देखिए। हम लोग चलते पढ़ते देखते क्या है। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. Means जो विनर है उनको ₹100 का प्राइज मिलता है और जो विन नहीं करते हैं उनको ₹25 का प्राइज मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है the total prize money distributed is 3000 और जितना प्राइज बांटा गया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 3000 है। ठीक है, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तुम्हें बताना है कि जो तुम्हारे प्रतिभागी है ना उसमें जो विनर्स है विनर्स के नंबर्स क्या है। अगर टोटल तुम्हारे जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो 63 हो तो तुम्हें बताने हैं नंबर ऑफ विनर्स। ठीक है, तो अब पढ़ते देखते हैं। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि ₹3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या क्या होगी या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको ऐसे कभी भी क्वेश्चन दिए जाए तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग केवल एक काम करा करिए, कभी अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आप एक काम करा करिए कि सबसे पहले देखिए कि हमें दिया क्या है और मतलब निकालना क्या है। तो फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ विनर्स। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ विनर्स, और जो नंबर ऑफ विनर्स है उनको कितने रुपए का प्राइस मिल रहा है, ₹100 का प्राइस है ना। देखो नंबर ऑफ विनर्स जो है उनको कितने का प्राइस मिल रहा है, ₹100 का प्राइस मिल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना मनी है, टोटल मनी कितना है जो प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल मनी निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद राइट क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ मनी। ठीक है, टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी कितना है, 3000। मीन्स टोटल सम ऑफ मनी, और हिंदी में हम लोग लिखेंगे, देखो कह रहा है कि यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि ₹3000 थी तो पुरस्कारों में कुल बांटी गई राशि क्या लिखेंगे, पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि बराबर कितना है, ₹3000। ठीक है, ₹3000 है। अब आगे चलते देखते हैं, अब तुम्हारा जो विनर है वो ₹100 का प्राइस मिल पा रहा है और जो विन नहीं करता है उसे ₹25 का प्राइस मिल रहा है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स ऑफ ₹100। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लेट The let the number of winners of ₹100 equal कितना मान लेते हैं, यस मान लेते हैं जो हमारे नंबर ऑफ विनर्स है जो ₹100 का प्राइस मिल रहा है, जिनको ₹100 का प्राइस मिल रहा है वो यस है। कितने लोग हैं, वो यस लोग हैं। ठीक है, मतलब माना ₹100 वाले विजेताओं की संख्या, ठीक है, ₹100 वाले विजेताओं की संख्या बराबर कितना, यस। ठीक है, अब हमको देखिए ₹25 वाले कि जो प्राइस कह रहा है कि
bin gets a price of rupee 25. तो अब लिखेंगे and those number of winners विनर, क्योंकि इसमें कह रहा है देखिए अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो जीतता नहीं, तो जब जीत नहीं रहा तो विनर तो कहलाएगा नहीं, है ना। तो हु आर नॉट विनर, ठीक है, एंड दोज नंबर हु आर नॉट विनर। ये बताइए टोटल कितने हैं, तो जो टोटल पार्टिसिपेंट है उसने कहा है कि टोटल पार्टिसिपेंट के नंबर्स कितने हैं, 63 हैं। अगर हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, इसमें से मैंने नंबर ऑफ विनर्स बता दिया यस है, तो कितने लोगों ने नहीं विन किया है, कितने लोग ऐसे हैं जो विन नहीं किए, तो इसे 63 में से यही 100 माइनस कर देते हमें पता चल जाएगा ना कि कितने लोगों ने जीता नहीं है। तो क्या लिख देंगे, 63 माइनस यस हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे और विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या, माइनस यस आ गया। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अब हमको फिर से वही पुराना रूल जो 14 में लगाया, 15 में लगाया, वही हम 16 में भी लगाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन किसका है, ये 16 का है। तो देखिए अब यस रुपए है, सॉरी यस नंबर ऑफ विनर्स है, यस विनर्स है, और जो यस विनर्स है वो कितने रुपए का प्राइस मिल रहा है उनको, जो यस विनर्स है उनको कितने रुपए का प्राइस मिल रहा है, 100 रुपए प्राइस। मींस इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 से, क्योंकि यस विनर्स है उनको 100 का प्राइस मिल रहा है। अगर हम यस विनर में से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने विनर ऐसे हैं जिनको कितने का मतलब प्राइज मिल रहा है ना, इन विनर को कितने का प्राइज मिल रहा है। अब चलते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं, अब हम सम कर ले किसका, इसका। तो अब देखिए जो विन नहीं कर रहे हैं, तो जो विन नहीं कर रहे हैं कह रहा है कि हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ रूपी 25, जो नहीं विन कर रहे हैं उन्हें 25 का प्राइज मिल रहा है। तो अगर हम 25 से जो भी नहीं कर रहे हैं मीन 63 माइनस यस में मल्टीप्लाई कर दे, तो ये किसका निकल जाएगा, जो भी नहीं करता है ये पता चल जाए उन्हें कितना प्राइस दिया गया है ना। तो अब बताइए, और टोटल सम को मतलब अगर इसको और इसको दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो ये कितने के इक्वल हो जाता है, 3000 के इक्वल हो जाता है। कितने के इक्वल हो जाता है, 3000 के इक्वल हो जाता है। तो 100 ईयर्स प्लस से प्लस, अब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, मींस 25 × 63 माइनस ये इसके साथ में मल्टीप्लाई, 25 × यस इक्वल 3000। तो 100 ईयर्स प्लस से प्लस, इसका मल्टीप्लाई करिए, तो कहीं पर अगर 25 है इंटू 63 करना, तो देखते कैसे करते हैं, 3 घंटे में पढ़िए, 5 टाइम्स 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6, 6 और 1 7, 75 हो गया, 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15, 5 7 5 1, इसको सम करने के बाद इतना आया, मीन से कितना हो जाएगा,
1575 माइनस 25 यस इक्वल 3000। ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे देखेंगे क्या है। अब देखिए, मैंने कहा था लाइफ टर्म में से लाइफ टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ एक्स पावर वन, यहाँ एक्स पावर वन, यहाँ पे दोनों जगह पे एक्स है और पावर दोनों की सेम है, मींस 100 में से 25 एक्स को माइनस करना है, 100x में से 25x को माइनस करना है। तो अगर 100 है तो 25 को अगर माइनस करें तो अभी तो नहीं जाएगा, जीरो है। अब क्या करेंगे, वन कैरी लाएंगे, 10 बना 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, मींस 75, तो हो जाएगा 75 इयर्स। ये प्लस है, प्लस हो जाएगा 1575। अब बताइए इनको और इनको यदि 100 इयर्स और 25 इयर्स को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं, मींस प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो प्लस माइनस, माइनस मैंने कहा है कभी भी अगर प्लस और माइनस भी दिखेगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, साइन हमेशा जो बड़े वाली लिखी होगी वही लिखी जाएगी, जिसके आगे ज्यादा लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ज्यादा था इसलिए मैंने 100 का साइन लिखा है। तो ये हो गया इक्वल इक्वल 3000 3000। अब ये हो जाएगा 75 इयर्स और इक्वल इक्वल 3000, है ना। अब ये प्लस उधर जाएगा, कोई भी नंबर होता है, कोई वैल्यू होती है, अगर इक्वल के इस साइड प्लस में है तो इक्वल की उस साइड किस में जाती है, माइनस में जाती है, किस में जाती है, माइनस में, तो माइनस 1575 हो गया। अब 3000 में से 1575 को माइनस करिए, तो 10 में से 5 गए 5, यहां बना 9, 9 में से 7 गए 2, यहां बना 9, 9 में से 5 गए 4, यहां बना 2, 2 में से 1 गए 1, तो ये हो जाएगा 75 इयर्स इक्वल 1425। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं यक्स है, यक्स इक्वल इक्वल 1425। अब इधर किसमें है, ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मींस मल्टीप्लाई का साइन, थी उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मींस 575 हो जाएगा। चलते हैं डिवाइड करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में करने के बाद डिवाइड करेंगे हम लोग, जिससे अच्छे से डिवाइड हो जाए, प्रॉब्लम भी ना हो। चलिए करते हैं, 5 1 5, 2 7, 5 5 25, 5 2 10, और यहाँ हुआ 4 आया 42, तो 5 8 40 और 5 5 25। आप चलते हैं डिवाइड कर लेते हैं इसको 285 को, तो 15 1 15, 15 2 30 ज्यादा हो जा रहा है, मींस 15 1 15, माइनस करिए 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 1, यहाँ आया 5 और 15 9 135, तो कितना आ गया यक्स इक्वल 19। तो लिखेंगे क्या, hence the number of winners equal 19, अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो यस की जगह एक्स की वैल्यू रखिए, यहाँ पे 19, इसको 19 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 19 रखिए, उसके बाद इस तरफ वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता, जान लीजिएगा आंसर आपका सही है, और नहीं आता जान लीजिएगा गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी अब तो ये लास्ट क्वेश्चन था, कल हम लोग एक्सरसाइज 2.3 नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।